हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। वेलकम टू रैंकर्स जेई एडवांस चैनल। आपका रैंकर्स जेई एडवांस चैनल में आपका स्वागत है। और बच्चों, यहां पे हम आपको जो कंसाइज वीडियो है वो हम दे रहे हैं। ये आज हम लोग उसी सीरीज में पढ़ेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। बच्चों, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको लास्ट तक देखिए। यकीन मानो दोस्तों, आपको एक एडवांस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका और आपको मजा आ जाएगा। ये जो इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, क्या बोलते हैं बताओ, याद है आप सबको? तो कहोगे कि यस सर, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए? आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब ये रिएक्शन क्या होती है ये देखते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो। ये रिएक्शन होती है प्राइमरी एमाइन की, ओके। और एजेंट होता है क्लोरोफॉर्म KOH, क्लोरोफॉर्म KOH। और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बच्चों RN, यहाँ पे C, और प्लस KCl बनेगा, और फिर H2O। हमने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, वैसे भी हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है ना। इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई नहीं पूछता आपसे। तो ये एक कार्बीन मैकेनिज्म रिएक्शन है। कार्बीन, कार्बीन का नाम सुने हो? यस, कार्बीन इज आल्सो एन रिएक्शन इंटरमीडिएट। और कार्बीन से रिलेटेड जो हमारे सिलेबस में रिएक्शन होती है वो हॉट रिएक्शन कौन सी है? तो आप कहोगे सर राइमर-टाइमन रिएक्शन और बताइए कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। इसके अलावा भी बहुत सारे पढ़ते हैं लेकिन ये दो मेन है। तो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, ओके। और इसका फॉल स्मेलिंग होता है। क्या हमने बोला? फॉल स्मेलिंग, मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है, आप ऐसे कह सकते हो, फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट। FOUL होता है ना, इसको ध्यान रखना। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं और फिर इसमें बात करते हैं कि क्या इसमें जो वेरियस फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को चेंज करते हैं। पहली बात तो, दिस रिएक्शन इज गिवन बाई ओनली प्राइमरी एमाइन। दिस रिएक्शन is given by only one degree amine, only primary को आप one degree amine भी लिख सकते हैं, और and not 2 and 3 degree, ये नहीं देते 2 and 3 degree नहीं देते। तो आप कह सकते हो कि एक प्रकार से ये reaction distinguish between pair of compounds में भी use हो सकता है, ये separation के point of view से भी use कर सकते हैं हम लोग। अगर primary amine और secondary amine कभी भी सेपरेट करना हो तो क्या करेंगे? क्लोरोफॉर्म KOH डाल देंगे। फॉल स्मेलिंग जिस रिएजेंट से आएगा उसको हम लोग प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते। और ये इसकी मैकेनिज्म से ही क्लियर होता है। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या है इसकी। बच्चों देखिए ध्यान से, पहला स्टेप होता है इसमें कार्बीन फॉर्मेशन। क्या होता है बताइए? कार्बीन फॉर्मेशन। ये जो अपना क्लोरोफॉर्म है, अगर इसका मैं रिएक्शन लिखूं मैकेनिज्म, तो थोड़ा ध्यान से देखना होगा इसमें आपको। जैसे क्लोरोफॉर्म के पास क्या है? 3 Cl है और एक आपके पास H है। आप कहोगे ये H काफ़ी एसिडिक है, तो ये जो KOH है वो इस H को खा जाता है, पानी निकलता है, और यहाँ पे बच्चों एक नेगेटिव चार्ज आता है, और ये Cl, Cl इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाता है। तो यहाँ से बनता है हम लोग को बच्चों H2O तो था ही अपने पास, Cl एज ए निकल गया KCl के फॉर्म में। और ये जो बना ये होता है अटैकिंग इंटरमीडिएट, इसको क्या बोलते हैं? डाइक्लोरोकार्बीन। व्हाइट बात बताइए क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन होता है बच्चों, डाइक्लोरोकार्बीन, ओके। ध्यान देना यहां पे, एकदम प्यार से समझा रहा हूं और आप भी प्यार से देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बच्चों हम लोग की जो टीम है ना वो मचाने वाली है एडवांस में, तो आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए और मजे लेते रहिए, टेंशन नहीं लेने का। सब देखिए, इधर देखिए, सब लोग ध्यान से देखो, तबाही मचा दोगे यार। अब देखो, कहोगे कि सर ये जो एमाइन है प्राइमरी एमाइन, इसके पास क्या है? मन की आंखों से देखो, कहोगे कि लोन पेयर है, और ये आप डाइक्लोरोकार्बीन बना रहे हो सर। हमने कहा ठीक है, बना तो रहे हैं, और क्या कहना चाहते हो तुम? तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा वैकेंट ऑर्बिटल में, तो N पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखते रहना, और ये क्लोरीन, और यहां Cl, यहां Cl, यहां आएगा आपके पास नेगेटिव चार्ज। कहोगे कि सर नाइट्रोजन वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है,
ये बेचारा चाहेगा कि हमारा कोई चार्ज पॉजिटिव ले जाए, हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज ले जाए, तो OH जो घूम रहा है ना, वो आएगा OH। अगले स्टेप में मैं लिख देता हूं बेटा, आराम से देखना। मैंने ये बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, पिछले पेज पे हमने कहा कि जिसमें कह रहा था कि चार्ज नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या कहेगा, आओ कोई ले जाओ, तो OH आएगा दौड़ते दौड़ते, कहेगा आ रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, और इसको खा जाएगा, ये पानी की तरह निकल गया। और यहां बनेगा बच्चों R N H को आप चाहें तो ऊपर दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ये मैं पूरा मिटा देता हूं इसको, R N, और ये हमने इलेक्ट्रॉन पेयर बनाए, यहां H दिखाया और ये C Cl Cl, ओके यहां तक है। अब आप कह सकते हो कि सर एक काम करो, ये जो H है ये एक प्रकार से ये यहां जाएगा और ये निकल भी जाएगा, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, प्यार से देखो, प्यार से। तो आप कहोगे कि सर एक काम करो, आपने एक चीज गड़बड़ बना दिया, ये जो एच है ये इसको नहीं ले जा रहा है, ये तो एच इसको शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो ये आप इसको दिखाएंगे फिर इसको प्रोटोनेट करेंगे, उससे अच्छा एक काम करिए आप इसको हटाइए, है ना, इसको हटा दीजिए पूरा, और आप सीधे सीधे ये दिखा दो ना कि इसका एच बेचारे को ये ले गया, ओके, तो ये बन गया आपका R N, ये इलेक्ट्रॉन पेयर H, और उसके बाद कोई भी ऊपर नीचे लिखो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहोगे कि सर कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है सर, Cl निकलने के लिए तो बेताब ही है बेटा, ये कभी भी निकल जाएगा, फिर R के ऊपर आएगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान देना यहां हम पॉजिटिव चार्ज दिखा चुके हैं, और एक H और एक Cl लगा चुके हैं, फिर कहोगे कि सर फिर क्या, ये OH अब आप जो कह रहे थे वो कर दीजिए, हमें पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों R N, N के ऊपर यहां इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये C, और फिर Cl, और यहां H, उसके बाद क्या होगा, फिर लिविंग ग्रुप, ये निकल जाएगा अपना लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा बच्चों R N के ऊपर प्लस, ये डबल बॉन्ड CH, फिर जो बेस है OH आयन वो इस H को गायब कर देगा, और ये बन जाएगा R N ऐसे C माइनस और H प्लस, और इसी को बच्चों हम लोग डिनोट करते हैं, ये जो लास्ट में लिखा है हमने, इसी को आप लिखोगे कैसे, ध्यान से देखो, तो इसको लिखोगे आप R N, और यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकते हो, और इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं बताइए, आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमाइन बोलते हैं, जिसका फॉल स्मेलिंग हम लोग बोल रहे थे, फॉल स्मेलिंग। तो एक बार रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे हमने स्टार्ट किया और कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। सबसे पहले हम बता रहे थे कि ये जो क्लोरोफॉर्म KOH है, तो OH आयन इस H को खा जाएगा, मतलब H को लेकर गायब हो जाता है, क्योंकि H काफी एसिडिक है, क्योंकि काफी विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, Cl 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 इसको बर्बाद कर दिए हैं, H को आबाद कर दिए हैं, तो H गया। फिर ये डाइक्लोरोकार्बीन बना, जिसको मैं कह रहा था कि ये अटैकिंग रिएजेंट, ध्यान रखना कार्बाइल एमाइन में पूछा जाए कि अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप बोलोगे CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। फिर यहां पे बच्चों ये होता है, इसी को बोलते हैं यहां पे RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होता है कि बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ द एमाइन, ओके, तो ये बना। इसी को मैं पहले क्या देख रहा था कि इसको OH ले गया, फिर OH इसको ट्रांसफर करेगा, उससे अच्छा कहो सीधे सीधे सर इसको भेजिए, है ना, हमें मैकेनिज्म समझना है, मेन पार्ट है ना, ये कोई साइड पार्ट है, और ये लोन पेयर गया, Cl निकल गया, फिर ये बना, फिर कहोगे कि H संभाल नहीं पा रहा है, OH ले गया इसका H, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, फिर Cl निकला, यहां तक आए, फिर ये ले गया, क्योंकि ये ऐसे ट्रिपली बॉन्डेड से कनेक्टेड है ना, कंस्रोल ट्रिपली बॉन्डेड से कनेक्टेड जो H होते हैं वो काफी ज्यादा एसिडिक होते हैं, बहुत ही एसिडिक होते हैं, तो ले गया। अब ये बना, ये ध्यान रखना ये एच ऊपर वाले का है, नीचे वाले का नहीं है, और इसी को मैं बोल रहा था कि इस तरह से बना सकते हैं, और इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, नहीं अगर पसंद आया तो पीछे वाले की तरह छुपके सेंटी होने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, दोबारा देखिए, लिखिए, लिख लिख के याद करो, अरे यार ऐसे देखोगे ना तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट है, नोट बना के लिखिए, नोट पॉइंट लिखो बेटा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन, प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ ऑफ द एमीन। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में आया कि कंपेयर द रेट, इस तरह से क्वेश्चन आ गया, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ कार्बाइल एमाइन रिएक्शन आएगा, यहां पे कार्बाइल एमाइन ऑब्वियसली उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ और के बारे में सोचने लगे क्या तुम लोग, अबे गजब हाल है, आराम से देखो। तो ये CH3NH2 है, ओके, और ये CH3CH2NH2 है, और एक है बेटा CH3, ये क्योंकि प्राइमरी एमाइन ही होने चाहिए CH3NH2। तो इसमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है भाई, तो आप कहोगे सर इंडक्टिव इफेक्ट देख लो ना, कहा है इतना छटपटा रहे हो, तो कहोगे कि सर सबसे बेस्ट रिएक्टिव ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, और ये प्राइमरी एमाइंस देते हैं बच्चों, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा मान लीजिए अगर हमारे पास ये आ जाता है, इसको ये बनाया हुआ था एनिलीन, क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन, अब यहां हमने CH3 लगा दिया, एक बार क्या किया, यहां पे ध्यान दो एनिलीन, और यहां पे हमने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिए, और अगला एनिलीन ये लिख दिया, ओके, और एक और लगा रहे हैं नाइट्रो ग्रुप। अब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करो, NH2 होता है बेटा, हम गलती से लिख दिए हैं वो NH, आप NH2 लिखिए इसको, है ना, हर जगह NH2, इसको मिटा रहे हैं, NH2 ग्रुप नॉट NH3। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, ये ध्यान रखना एक ही बॉन्ड है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आप कहोगे सर ये प्लस एम देगा, ये ज्यादा एक्टिवेट मतलब रिएक्ट को एक्टिवेट कर देगा, ये प्लस एच देगा, ये कुछ नहीं देगा, और ये माइनस एम देगा, तो सबसे बेकार तो ये लास्ट वाला है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर में ये आएगा पहले, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और फोर्थ नंबर पे, मतलब सबसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर कहेगी फास्टर किसमें है, तो आप आंसर करेंगे दिस मत, ओके, पैरामिथॉक्सी एनिलीन, ओके, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे उम्मीद है हमने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए। तो बच्चों इस तरह के वीडियो आपको मिले तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इधर उधर दाएं बाएं देखने से काम नहीं चलेगा, चुप्पे मार के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोगों के साथ जुड़िए, मजे लीजिए, और सेलेक्ट होके IITian बन के दिखाइए, है ना, हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, हमारी टीम आपके पीछे पड़ी हुई है और आपका सिलेक्शन चाहती है, और कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम आपका सिलेक्शन हो, आपका अच्छी ब्रांच मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, बस हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को प्राइज मिल गया, तो हमें वो प्राइज चाहिए, आप बच नहीं सकते, इसी बात पे करो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हमें फॉलो करते रहिए, गुड लक, बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए।